NBC 24 बिहार में प्रारंभ हो रहा है। समाचार चैनल पूरी शुभकामना है इस नए वर्ष में 2021 जो सबके लिए अच्छा रहेगा। और ये चैनल निर्भीक और स्वतंत्र होकर के बिहार के सभी वर्ग सभी समाज के लोगों का और बिहार के तरक्की उन्नति में सहायक भूमिका अदा करेगा और बिहार की आवाज बनेगा। यही मेरी शुभकामना है। मधुबनी जिले के बासुपट्टी प्रखंड अंतर्गत कटैया पंचायत स्थित सिराही गांव की आबादी तकरीबन 20,000 से ज्यादा है, इसलिए सिराही गांव में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल खोलने का मूड बनाया था। इस अस्पताल का टेंडर 2006 में पास हो गया और भवन बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। उस समय सिराही गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी, मगर जब से संवेदक के द्वारा इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है तब से ग्रामीणों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। आज भी इस अस्पताल के भवन को बनवाने के लिए सिराही गाँव के ग्रामीण टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे में एक समाज सेवी युवक जिनका नाम रुपेश कुमार चौधरी है, उन्होंने इस अस्पताल को चालू करने के लिए कई प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक को भी शिकायत की, फिर भी इस अस्पताल को चालू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी को सांप सूख गया। दिख रहे हैं भवन अधूरा पड़ा, क्या चीज का ये भवन है और क्यों अधूरा है? ये स्वास्थ्य उप केंद्र है और अधूरा का कहीं ना कहीं हमारे पंचायत प्रतिनिधि और जो ठेकेदार है उनका बहुत बड़ी लापरवाही है इस विषय में। इनको सोचना चाहिए कि हमारे पंचायत के अंदर में अगर कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो उसको बनवाना है, और जो ठेकेदार है उनको भी सोचना चाहिए कि हमने अधूरा क्यों छोड़ा जो 2006 से लेकर के आज तक पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाया है। जी ये मैंने क्या अस्पताल है जी, ग्रामीण अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल है जो 2006 में बनी और अभी तक अधूरा पड़ी हुई है। मैंने 2006 से लेकर आखिर क्यों है ऐसा अधूरा क्यों है? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है जी, स्वास्थ्य विभाग भी इसमें आएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अगर कड़े रुख अपनाए रहते तो आज लापरवाही नहीं होती, क्योंकि डेढ़ दशक हो गए लगभग, और डेढ़ दशक तक अगर इस प्रकार की लापरवाही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस कटघरे में खड़े। कितने आबादी होगी यहाँ जो लाभान्वित होते ये अस्पताल? अगर यहाँ पे हॉस्पिटल बनती तो लगभग पंचायत के 10,000 लोगों तक स्वास्थ्य का किसी न किसी प्रकार से फायदा पहुंचता। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास करने का वादा करती हैं, मगर वो सारे वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित हो गए हैं, क्योंकि अब चुनाव खत्म होने के बाद कौन विकास के तरफ देखेगा। वहीं एनडीए गठबंधन की सरकार भी विकास के तरफ अपनी पैनी नजर नहीं दे रही। कटैया पंचायत के मुखिया भी सरकार स्वास्थ्य विभाग और संवेदक को ही कोस रहे हैं। काम तो बहुत जोर शोर से हुआ, लेकिन एकाएक जो ठेकेदार थे वो छोड़ करके चले गए और बार बार कहने के बाद भी वो नहीं आ सके, जिसके लिए हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक आवेदन ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ में दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग जो वर्तमान विधायक थे, निवर्तमान विधायक थे, उनके जरिए से भी, और उससे पहले जो विधायक जी थे हमारे अनुशंकर प्रसाद जी, उनके माध्यम से भी दो दो मरतबा विधानसभा में क्वेश्चन भी करवाया गया इसके लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके लिए आम जनता को बहुत निराशा है। बड़ी चीज, आखिर कब तक होगा ऐसा? अभी जो विधायक जी हुए हैं, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, अनुशंकर प्रसाद जी जीते हैं, तो अभी हाल ही में लगभग सप्ताह भर पहले हम लोग एक नया आवेदन भी लिख के दिए हैं, अपने माध्यम से इसको थोड़ा सा विधानसभा में आवाज उठाया जाए या प्रशासनिक स्तर पर भी पहल करके इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। इसका फिर दोषी कौन है? इसका दोषी तो हमारे ख्याल से जो अभी करता है वो है दोषी, विभाग नहीं है। विभाग भी है, विभाग को इसका सुधि लेना चाहिए था। विभाग बार बार आवेदन देने के बाद मौखिक मोबाइल पर, यहाँ तक कि सीएस को भी कहा गया मोबाइल के माध्यम से, लेकिन वो सुधि नहीं लिया तो बिल्कुल है गलती। कितने लोग लाभान्वित होते हैं इससे? लगभग हमारे ख्याल से 4 से 5 हजार लोग लाभान्वित होते हैं।
बिहार में इस समय सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए विकास की ओर आकर्षित नहीं हो रही। खास करके नीतीश कुमार ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इस अस्पताल को बनाने की मंजूरी दी थी। अब यह अस्पताल की भवन खंडहर में तब्दील हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार को अपनी पैनी निगाहें की जरूरत है। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा बिहार के प्रदेश मीडिया प्रभारी। एनबीसी के तमाम दर्शक को नए वर्ष का हार्दिक शुभकामना देता हूं और क्रिसमस का भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। और साथ में एनबीसी के पूरे टीम को आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। NBC 24, सच की ताकत।